सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर रश्मि सिंह और हम लोग बात कर रहे हैं इंटेलिजेंस पर, बुद्धिमत्ता या बुद्धि, जिसमें कि हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। और इस वक्त चल रहा है थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के सिद्धांत, जिसमें कि आज हम लोग केटल्स थियरी पढ़ेंगे। केटल साहब का पर्सनैलिटी पर भी काम है और इंटेलिजेंस पर भी बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है इनकी, बहुत पूछी जाती है, हमें पता होना चाहिए। और चूंकि इंटेलिजेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप इसको अच्छी तरीके से सुनिए, समझिए और पिछली पुरानी सारी थ्योरीज के संग कोरिलेट करके चलिए, ताकि कई आने वाले आपके टीचिंग एग्जामिनेशन में ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज केटल्स थियरी ऑफ इंटेलिजेंस एंड आई अर्ज यू टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप एक्सप्लोर एजुकेशन एंड आई एम डॉक्टर रश्मि सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, एस एस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ अलाहाबाद, एंड इट इज माई ई मेल आई डी, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल टू। ओके, सबसे पहले हम लोग जानते हैं थोड़ा सा केटल साहब के बारे में, कौन थे ये, कैसे इन्होंने काम किया, कौन सी थियरी हमको दी है। तो केटल साहब ने कहा कि अवर कैपेसिटी टू लर्न द नॉवेल एंड रिकॉल द पास्ट इज कॉल्ड जनरल इंटेलिजेंस, यानी कि कुछ नया सीखने और पुराने को याद करने को सामान्य बुद्धि कहा जाता है, ये कहा केटल साहब ने। और उन्होंने कहा इट इज़ ए कंस्ट्रक्ट ऑफ साइकोमेट्रिक इन्वेस्टिगेशंस ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड अवर कॉग्निटिव एबिलिटीज, यानी कि हमारी यानी कि मनुष्य की संज्ञानात्मक योग्यताओं और मनुष्य की बुद्धि का जो साइकोमेट्रिक इन्वेस्टिगेशन है, इट इज ए कंस्ट्रक्ट ऑफ साइकोमेट्रिक इन्वेस्टिगेशन। फिर अच्छा एक बात और, कि हम लोग जब थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस हमने शुरू किया था तो हमने देखा था कि दो मेन उपागम हैं, दो मुख्य उपागम हैं, टू मेन अप्रोचेज आर देयर टू क्लासिफाई थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस, वन इज साइकोमेट्रिक अप्रोच एंड अदर वन इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। तो केटल की थियरी भी साइकोमेट्रिक अप्रोच के अंतर्गत ही आती है, या आप कह सकते हैं कि हम लोग साइकोमेट्रिक अप्रोच के तहत ये लास्ट थियरी पढ़ रहे हैं। इसके बाद जो थियरीज आई वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के अंतर्गत आएंगी। तो इन्होंने अपनी किताब जिसका कि नाम था इंटेलिजेंस इट्स स्ट्रक्चर ग्रोथ एंड एक्शन, ये इनकी किताब का नाम था, इसमें इन्होंने केटल हैज डिवाइडेड जनरल इंटेलिजेंस इनटू फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस विच ही प्रेजेंटेड एट द 1942 APA कन्वेंशन। हम लोग ने पिछले बार भी बात की थी, APA क्या है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है। तो उसके कन्वेंशन हर साल होते रहते थे, जिसमें उस समय के बहुत महत्वपूर्ण साइकोलॉजिस्ट जाते थे और अपनी थियरीज प्रेजेंट कर रहे थे, अपने नए नए खोजे हमको बता रहे थे। तो उस वक्त इन्होंने अपनी किताब में इसका जिक्र किया और इन्होंने जो जी फैक्टर था, जो स्पीयरमैन का जी फैक्टर था, उसी को इन्होंने फ्लूइड और क्रिस्टलाइज में बांट दिया है। और ये किसी भी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी स्पेसिफिक फैक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, मल्टीपल फैक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, ग्रुप फैक्टर की बात नहीं कर रहे हैं। फिर ये इन्होंने अपना एक ऑटोबायोग्राफी लिखी, उसमें केटल ने लिखा है हेब एंड आई। हमने पिछली बार भी आपसे बात की थी कि हेब जो एक साइकोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने दो तरीके की इंटेलिजेंस की बात की थी, इंटेलिजेंस ए एंड बी। तो ये वही कह रहे हैं कि हेब ने भी अपना 1942 में पेपर प्रेजेंट किया और इन्होंने भी प्रेजेंट किया, और दोनों लोग दो तरीके की थ्योरी की बात कर रहे हैं, जिसमें हेब क्या कह रहे हैं, हैब उसको नाम दे रहे हैं इंटेलिजेंस ए और इंटेलिजेंस बी, और उसी को ये नाम दे रहे हैं फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। तो ये भी कहा जाता है कि इन्होंने ये हैब से इम्प्रेस्ड हुए, इफेक्ट हुए, या हैब साहब इनसे इम्प्रेस्ड हुए, ये मतलब मैटर ऑफ फैक्ट है, मैटर ऑफ डिस्कशन है, बातचीत इस पर की जानी चाहिए, रिसर्चेस हुई होंगी जिसे पता चले। लेकिन दोनों लोग कहते हैं कि एक दूसरे पर एक दूसरे को दोनों ही साइकोलॉजिस्ट ने प्रभावित किया, एक ही तरीके की बातें की, बस हेब ने उनका नामकरण किया इंटेलिजेंस ए और इंटेलिजेंस बी। ये दो तरीके की इंटेलिजेंस बता रहे हैं हेब साहब, जी फैक्टर की और जिसको की कैटल उसी को नाम दे रहे हैं फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज। यही लिखा है कि हेब एंड आई एट द वेरी सेम APA मीटिंग, एक ही APA मीटिंग में पुट फॉरवर्ड द थ्योरी ऑफ टू फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, एक ही थ्योरी में ये लोग दो प्रकार की इंटेलिजेंस के प्रकारों की बात कर रहे हैं, जिसको हेब ए एंड बी नाम दे रहे हैं और ये फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज नाम दे रहे हैं। फिर कब इन्होंने ये फ्लूइड और क्रिस्टलाइज नामकरण यूज किया है, कैटल्स फर्स्ट पब्लिश्ड यूज ऑफ द टर्म्स इंटेलिजेंसेस वॉज इन his paper in the psychological bulletin 1943, यानी कि 1943 के psychological bulletin में ये fluid and crystallized को, crystallized intelligence को as a name use कर रहे हैं। फिर theory of fluid and crystallized intelligence simultaneously challenges
एंड एक्सटेंड्स व्हाट वाज ओवर सपोजिटली द सिंगल कंस्ट्रक्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस, यानी कि इनकी थ्योरी जो कि फ्लूइड और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस की थ्योरी है वो एक तरीके से चैलेंज भी कर रही है और एक तरीके से बढ़ा भी रही है किसको, जब हम बात करते हैं कि इंटेलिजेंस जो है वो सिर्फ सिंगल कंस्ट्रक्ट होता है जिसको हम जी कहते हैं, तो उस नोशन को ये चैलेंज भी कर रहे हैं कि नहीं सिर्फ जी नहीं होता है बल्कि दो होते हैं फ्लूइड और क्रिस्टलाइज्ड और उसी को एक्सटेंड भी कर रहे हैं। और The two concepts of fluid intelligence and crystallized intelligence was further developed by Cattell's former student and cognitive psychologist John Leonard Horne. यानी कि इनके कंसेप्ट को जो कि फ्लूइड और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस का था उसको बाद में इन्हीं के स्टूडेंट जो कि कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे हॉर्न साहब वो बढ़ाते हैं। इसलिए कहीं कहीं आप अगर कैटल की थ्योरी सर्च करेंगे या बुक्स में भी आपको हॉर्न एंड कैटल की थ्योरी के नाम से मिलेगा क्योंकि उस इन्हीं के काम को उन्होंने आगे बढ़ाया है। अब देखते हैं कि फ्लूइड और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस में ये कह क्या रहे हैं। कैटल डिफाइंड फ्लूइड इंटेलिजेंस एज द एबिलिटी टू परसीव रिलेशनशिप्स इंडिपेंडेंट ऑफ प्रीवियस स्पेसिफिक प्रैक्टिस और इंस्ट्रक्शन कंसर्निंग दोज रिलेशनशिप्स। यानी कि कैटल साहब के अनुसार जो तरल बुद्धि की ये जो बात कर रहे हैं वो तरल बुद्धि क्या है, वो क्षमता है जिससे हम रिलेशनशिप्स को परसीव कर सकते हैं। और सबसे खास बात क्या है, परसीव तो करते हैं लेकिन ये जो परसेप्शन है वो इंडिपेंडेंट है प्रीवियस स्पेसिफिक फैक्टर और प्रीवियस स्पेसिफिक प्रैक्टिस और इंस्ट्रक्शन। यानी कि उस रिलेशनशिप में जितना भी कोई हमको प्रीवियस प्रैक्टिस काम नहीं आ रही, कोई हम इंस्ट्रक्शन प्रीवियस यूज नहीं कर रहे, इंडिपेंडेंट है ये क्षमता। यानी कि पुरानी हमारे किसी भी लर्निंग एक्सपीरियंस इसमें काउंट नहीं होता है, इस तरीके की ये एबिलिटी है। और आगे आपको समझ में आएगा, इट इज अ सेट ऑफ मेंटल प्रोसेसेस। ये क्या है, मानसिक प्रक्रियाओं का एक प्रक्रम है, एक समूह है, एक निकाय है, कैसे, दैट इज यूज्ड इन डीलिंग विद रिलेटिवली नोवेल टास्क। यानी कि ऐसे टास्क जो पहली बार हमको मिल रहे हैं, तो जो पहली बार हमको कोई टास्क मिलेगा तो उसमें प्रीवियस लर्निंग कैसे काम आएगी क्योंकि उसका हमने हमको फर्स्ट एक्सपीरियंस है ना। एंड इज यूज्ड इन द एक्विजिशन ऑफ क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। और क्या करता है कि पहली बार मिलने वाले टास्क में ये हेल्प करता है और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस के अधिग्रहण में मदद करता है। फिर फ्लूइड इंटेलिजेंस रिफर्स टू बेसिक प्रोसेसेस ऑफ रीजनिंग एंड अदर मेंटल एक्टिविटीज दैट डिपेंड ओनली मिनिमली ऑन प्रायर लर्निंग एंड एक्लचरेशन। यानी कि पूर्व जो भी सीखना है, पूर्व अधिगम और एक्लचरेशन यानी सांस्कृतिकरण, मतलब यानी कि हमने कल्चरल होने में उसको सीख लिया है, ऐसी कोई लर्निंग इसमें काम नहीं आती है। और ये इस तरीके की इंटेलिजेंस है जो रीजनिंग और दूसरी मेंटल एक्टिविटीज में यूज होती है और प्रायर लर्निंग पे कम से कम डिपेंड करती है, या आप कह सकते हैं कि डिपेंड नहीं करती है प्रायर लर्निंग पे। यानी कि ये एक नोवेल टास्क में यूज होने वाली एबिलिटी है। फिर हॉर्न नोट्स, क्यों, क्योंकि हॉर्न साहब इनके काम को आगे बढ़ा रहे हैं, ये नोट करते हैं, नोट डाउन करते हैं कि इट इज फॉर्मलेस, यानी इसका कोई स्वरूप नहीं है, ये स्वरूप के बिना है, विदाउट फॉर्म है, इसीलिए तो इसको फ्लूइड का नाम दिया गया ना, क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं तरल की विशेषता, फ्लूइड की विशेषता क्या पढ़ते हैं कि किसी का स्वरूप नहीं होता है, इसका कोई आकार नहीं होता है, जिस बर्तन में डाल दें उसका आकार ले लेता है, उसी तरीके से इसका कैरेक्टरिस्टिक है, इसीलिए इसको फ्लूइड इंटेलिजेंस की संज्ञा दी गई है। तो चूंकि ये फॉर्मलेस है तो उसका फायदा क्या है, कैन फ्लो into a wide variety of cognitive activities. इसलिए ये बहुत तरीके के संज्ञानात्मक जो प्रक्रियाएं हैं उनमें यूज हो सकता है, उनमें फ्लो होता है इसका। इट इज द कैपेसिटी टू थिंक स्पीडली एंड रीजन फ्लेक्सिबली। ये उस तरीके की क्षमता है जो हमको तेजी से सोचने में और फ्लेक्सिबल तरीके से रीजन आउट करने में, तर्क करने में मदद करती है। तो फ्लूइड इंटेलिजेंस मतलब उस तरीके की योग्यता जिसमें कोई प्रायर लर्निंग काम नहीं आने वाली, ये खास बात है। और चूंकि ये फॉर्मलेस है इसलिए वाइड वैरायटी ऑफ कॉग्निटिव टास्क में यूज की जाती है और ये क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस के एक्विजिशन में भी हेल्प करती है। फिर और क्या करता है फ्लूइड इंटेलिजेंस, इट इन्वॉल्व्स बीइंग एबल टू थिंक एंड रीजन एब्स्ट्रैक्टली। यानी अमूर्त रूप से चिंतन करने में, अमूर्त रूप से तर्क करने में ये क्षमता हमको मदद करती है एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज होती है। दिस एबिलिटी इज कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन। इसका सीखने से, अनुभव से और शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, आप कह सकते हैं इस योग्यता का। व्हेन वन एनकाउंटर एन एंटायरली न्यू प्रॉब्लम, कह रहे हैं ना कि हमको कोई नोवेल टास्क मिल गया, हमको कोई एकदम नई समस्या मिली जो हमको पहली बार ही हमको मिल रही है, तो उसमें हमारी लर्निंग कैसे काम आएगी। लर्निंग तो तब होगी ना जब हम उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन सीख लेंगे, तब जब अगली बार हमको मिलेगी तो हम पिछली लर्निंग को यूटिलाइज कर सकते हैं। दैट कैन नॉट बी सॉल्व विद वंस एग्जिस्टिंग नॉलेज, वन मस्ट रिलाई ऑन फ्लूइड इंटेलिजेंस टू सॉल्व इट। यानी कि जब हमको कोई एकदम न्यू प्रॉब्लम से हमारा सामना होता है जिसमें कि हम अपनी पढ़ी हुई चीज, मतलब
आप कह दें आउट ऑफ द सिलेबस अगर हमसे पूछ लिया गया तो हमको फ्लूइड इंटेलिजेंस का यूज करना पड़ेगा. फिर फ्लूइड इंटेलिजेंस हैज लॉन्ग बीन थॉट टू पीक ड्यूरिंग द लेट 20s बिफोर बिगिनिंग टू ग्रेजुअली डिक्लाइन. यानी कि पहले सोचा जाता था कि ये लेट 20s पे पीक पे होती है, या आप ये कह सकते हैं कि यंग जो पीपल हैं उनमें फ्लूइड इंटेलिजेंस बढ़िया होती है. क्यों? क्योंकि वो एक्सेप्ट करते हैं चैलेंजेस, वो इन बॉर्न, मतलब कि बाई नेचर वो एक्सेप्टिंग उनका नेचर होता है कि कोई नई प्रॉब्लम रहे तो उसको वो करते हैं, उनको झिझक नहीं होती है, हिचक नहीं होती है, उनमें साहस होता है, यू कैन से एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है कुछ नया सीखने की, कुछ नया करने की. इसलिए ये इंटेलिजेंस जो है वो कहा जाता है कि लेट 20s में पीक पे होती है, यानी कि मतलब 28-29-30 साल तक ये इंटेलिजेंस मनुष्य में तीव्रतम होती है और उसके बाद धीरे धीरे इसका डिक्लाइन हो जाता है, क्षय हो जाता है. मतलब ये एक रफ एस्टिमेट है. फिर द डिक्लाइन ऑफ फ्लूइड इंटेलिजेंस इज लाइकली टू बी बिगिनिंग टू ग्रेजुअली सॉरी द डिक्लाइन ऑफ फ्लूइड इंटेलिजेंस इज लाइकली टू बी रिलेटेड टू द डिटीरियोरेशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग. क्यों हो रहा है ये डिक्लाइन? क्योंकि न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग का डिटीरियोरेशन हो रहा है धीरे धीरे, जैसे जैसे हम उम्र दराज हो रहे हैं. बट मे ऑल्सो डिक्लाइन एज इट इज यूज लेस फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग ओल्डर एज. या हम ये कह सकते हैं कि चूंकि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं एज में, वैसे वैसे हम लेस फ्रीक्वेंटली हम इस तरीके की प्रॉब्लम से इनकाउंटर होता है हमारा, या हम नई चीज़ों को सीखने की हम चीज़ें छोड़ते जाते हैं कि अब तो हमारी उम्र हो गई, अब हम कैसे सीखेंगे. चूंकि हम यूज़ कम करते हैं इसलिए भी इसका डिक्लाइन होता है, और न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग का तो डिटीरियरेशन होता ही है उम्र बढ़ने के साथ. इसलिए इन्होंने बताया कि फ्लूइड इंटेलिजेंस जो होती है समय बढ़ने के संग कमतर होती जाती है. फिर द डिक्लाइन ऑफ फ्लूइड इंटेलिजेंस हैज बीन एट्रीब्यूटेड टू द ब्रेन्स लोकल एट्रॉफी इन द राइट सेरिबेलम, एज रिलेटेड चेंजेस इन द ब्रेन एंड ए वांट ऑफ ट्रेनिंग. यानी कि राइट सेरिबेलम का वो हिस्सा है जो इफेक्टेड होता है फ्लूइड इंटेलिजेंस के डिक्लाइनेशन में, और जो एज रिलेटेड चेंजेस मतलब उम्र संबंधित जो परिवर्तन मस्तिष्क में होते हैं उसकी वजह से भी इसका क्षय होता है, घट जाती है. फिर क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस क्या है? एकदम फ्लूइड इंटेलिजेंस का ऑपोजिट है. वो क्या कह रहे हैं कि उसमें प्रायर लर्निंग यूज नहीं होगी, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस में प्रायर लर्निंग यूज होगी. वो कह रहे हैं उसमें एक्सपीरियंस का कोई लेना देना नहीं है. यहाँ पे है कि जितने आप एक्सपीरियंस्ड होंगे उतना आपका क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस बढ़िया होगा. वहां पे कहा जा रहा है कि उम्र बढ़ने के संग वो घटेगी, यहाँ पे क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस उम्र बढ़ने के संग बढ़ती है. तो दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है, आप अभी पढ़ेंगे तो समझेंगे. इट रिफर्स टू द एबिलिटी टू यूटिलाइज स्किल्स एंड नॉलेज एक्वायर्ड वाया प्रायर लर्निंग. यानी कि ये उस तरीके की योग्यता है जहां पे हम कौशलों और ज्ञान का यूटिलाइजेशन करते हैं. कब? जब हमने पहले से सीख रखा हो. द यूज ऑफ क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स द रिकॉलिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन एज वेल एज स्किल्स. मतलब कि ये जो बुद्धि का स्वरूप है उसका हम यूटिलाइजेशन, उसका यूसेज तब कर पाते हैं जब हम रिकॉल करते हैं हमने पहले जो सीख रखा है. ये वो ज्ञान हो सकता है, सूचना हो सकती है, कौशल हो सकता है. फिर हॉर्न साहब क्या कह रहे हैं? एक्सप्लेन दैट क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस इज ए प्रेसिपिटेट आउट ऑफ एक्सपीरियंस. यानी कि हम अनुभवी जैसे कहते हैं ना कि जैसे किसान लोग होते हैं तो जो उम्र दराज होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो मौसम का अनुमान ऐसे ही बता लेते हैं, इस साल कैसा होने वाला है या बारिश का क्या रहेगा, कैसी बहुत कौन सी मतलब पौधे अब सूख गए तो वो फिर बेहतर हो पाएंगे कि नहीं, या किसी भी क्षेत्र में, ये तो किसान आपका एग्रीकल्चर में हो, किसी भी क्षेत्र में जो अनुभवी लोग होते हैं वो अपने अनुभव से हमको बता देते हैं कि ये चीज़ सही है कि नहीं, या इस चीज़ में क्या दिक्कतें हैं. क्यों? क्योंकि इतना अनुभव उनको, इतना लर्निंग और इतना एक्सपीरियंस उन्होंने एक्यूमुलेट कर लिया है. इसीलिए कह रहे हैं कि क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस है प्रेसिपिटेट आउट ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब वो अवक्षेप बन गया है. किसका? अनुभवों का एकदम अवक्षेप है, उससे निकल कर आई है. विच स्टेम्स फ्रॉम ए प्रायर एप्लीकेशन ऑफ फ्लूइड इंटेलिजेंस. और ये कहाँ से उत्पन्न हुई? जब हमने पहले, भाई कोई भी प्रॉब्लम जब हमको पहली बार मिली तो हम फ्लूइड इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं, फिर हमने उसको सीख लिया तो वो स्टोर हाउस में चली गई और फिर हमको वो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस बन जा रही है. फिर हमको कोई प्रॉब्लम पहली बार मिलती है, हम फ्लूइड इंटेलिजेंस यूज करते हैं, वो सीख लेते हैं तो वो हमारी क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस बन जाती है. ये है तरीका. फिर क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस रिजल्ट्स फ्रॉम एक्यूमुलेटेड नॉलेज, मतलब हमने जो ज्ञान का संग्रहण कर रहे हैं वो हमारी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस बना रहा है, इंक्लूडिंग नॉलेज ऑफ हाउ टू रीजन, लैंग्वेज स्किल्स एंड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्नोलॉजी टू. दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज लिंक्ड टू एजुकेशन एक्सपीरियंस एंड कल्चरल बैकग्राउंड. जबकि वहां पे फ्लूइड में क्या था कि एकल्चरेशन से अनइफेक्टेड है, लर्निंग से अनइफेक्टेड है, एक्सपीरियंस से अनइफेक्टेड है, एजुकेशन से अनइफेक्टेड है, जबकि यहां पे ये सारी चीजें इसको प्रभावित करती हैं. एंड इज मेजर्ड बाय टेस्ट्स ऑफ जनरल इंफॉर्मेशन. और आपकी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस को मेजर किया जा सकता है, जबकि फ्लूइड इंटेलिजेंस में ऐसी कोई बात नहीं कही गई. फिर
क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस में और क्या है, इट इज फॉर्म्ड थ्रू द इन्वेस्टमेंट ऑफ फ्लूइड इंटेलिजेंस, यानी कि जितना ज्यादा आप फ्लूइड इंटेलिजेंस को इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा आपकी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस बेहतर होती जाएगी। बाय यूजिंग फ्लूइड इंटेलिजेंस टू लर्न एंड थिंक अबाउट प्रॉब्लम्स, द इन्फॉर्मेशन कैन देन बी ट्रांसफर्ड टू लॉन्ग टर्म मेमोरी सो दैट इट कैन बिकम पार्ट ऑफ क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, है ना। हमने क्या किया, फ्लूइड इंटेलिजेंस से हमने सीखा कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, और जब हमने सीख लिया तो वो ट्रांसफर हो गया हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला गया, ताकि वो अगली बार जब हमको प्रॉब्लम आएगी तो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस के रूप में हम उसको यूज कर पाएंगे, उसका सोल्यूशन हमको पता होगा। द मोर लर्निंग एंड एक्सपीरियंस यू हैव द मोर यू बिल्ड अप योर क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। इसीलिए कहा जा रहा है कि जितना ज्यादा हम सीखेंगे, जितना ज्यादा हम पढ़े लिखे होंगे, जितना ज्यादा हम अनुभवी होंगे, उतना ज्यादा हमारी क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस बढ़िया होगी, उतना वो बिल्डअप होती जाएगी। फिर जैसे कि फ्लूइड इंटेलिजेंस का पीक कह रहे हैं लेट 20s है, फिर डिक्लाइन होता है, उसी तरह से क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस भी अनुभव के संग बढ़ती है, लेकिन ये नहीं कि 100 साल तक बढ़ती जाएगी, ये भी डिक्लाइन होती है आफ्टर 60 यू कैन से, है ना, कि फिर हमारा अनुभव भी हमारे बहुत काम नहीं आता है, क्योंकि हमारे सब शरीर में जो क्षीण होता जाता है जिस हिसाब से, तो आप ये कह सकते हैं कि 40 से 60 ये बढ़ती है और 60 के बाद डिक्लाइन होती है। इसमें बहुत सारे मतांतर हैं, जैसे जैसे साइकोलॉजिस्ट ने कहे हैं उम्र का अंतर हो सकता है। व्हाइल फ्लूइड इंटेलिजेंस एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस आर डिस्टिंक्ट, जबकि ये दोनों एकदम विशिष्ट हैं, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द टास्क दैट इन्वॉल्व बोथ दीज कॉम्पोनेंट। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि किसी हम कोई टास्क करें तो उसमें सिर्फ फ्लूइड लगेगी, या हम कोई टास्क करें उसमें सिर्फ क्रिस्टलाइज लगेगी। हम जब नया टास्क सीखते हैं फ्लूइड यूज होती है, अगली बार वही टास्क करते हैं उसमें क्रिस्टलाइज यूज होती है, या एक ही टास्क में हम फ्लूइड और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस दोनों का यूटिलाइजेशन करते हैं जनरली। फिर इंप्रूविंग इंटेलिजेंस, क्या इंप्रूव कर सकते हैं इंटेलिजेंस को, कौन सी इंप्रूव कर सकते हैं कौन सी नहीं कर सकते हैं, तो सीधी सी बात है, चूंकि क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस को ये कह रहे हैं कि लर्निंग एक्सपीरियंस और एजुकेशन से इफेक्ट करती है, इसलिए हम इसको तो लर्निंग एक्सपीरियंस और एजुकेशन से बढ़ा ही सकते हैं ना, बिकॉज क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस इज नोन टू इंप्रूव ओवर टाइम, कह रहे हैं कि समय के संग बढ़ती है एंड रिमेन स्टेबल विद एज, इट इज जनरली एक्नॉलेज्ड दैट एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस इंक्रीज क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। ये मान के चला जा रहा है कि शिक्षा और अनुभव इसको बढ़ाते हैं। Until recently, it was widely held that fluid intelligence is static. बहुत समय बाद तक ये माना जाता रहा कि fluid intelligence जो है वो static है और largely determined by genetic factors है, यानी कि हमारे genes में है वो ability तो है, नहीं तो हम उसको कुछ घटा बढ़ा नहीं सकते, and therefore cannot be altered. ये माना जाता रहा, but however some research had suggested that fluid intelligence can be improved too. पर अब कुछ अनुसंधान में ये कह दिया गया है कि जो फ्लूइड इंटेलिजेंस होती है उसको भी बढ़ाया जा सकता है, फ्लूइड इंटेलिजेंस कैन बी इम्प्रूव्ड टू। फिर रिसर्च ने क्या सजेस्ट किया, दैट ब्रेन ट्रेनिंग मे इम्प्रूव सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ फ्लूइड इंटेलिजेंस इवन इन ओल्डर एडल्ट्स। ठीक है, फिर रिसर्च सजेस्ट दैट ब्रेन ट्रेनिंग मे इम्प्रूव सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ फ्लूइड इंटेलिजेंस इवन इन ओल्डर एडल्ट्स। तो रिसर्चर्स ने, अनुसंधान ने ये सजेस्ट किया है कि अगर ब्रेन ट्रेनिंग से कुछ एस्पेक्ट फ्लूइड इंटेलिजेंस का ओल्डर एडल्ट्स में भी इम्प्रूव किया जा सकता है, मतलब उम्र बढ़ने के साथ भी हम फ्लूइड इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हैं। फिर केटल साहब ने सिर्फ इंटेलिजेंस थ्योरी पे काम नहीं किया, बल्कि उनका काम इंटेलिजेंस टेस्टिंग पे भी है। इन्होंने ही गेव अ डिटेल्ड क्रिटिक ऑफ द बिने टेस्ट, यानी कि बिने की टेस्ट का इनका बहुत आलोचनात्मक इन्होंने अध्ययन किया है और कहा कि जो डिफरेंस आ रहा है स्कोर्स में इंटेलिजेंस टेस्ट का वो किसकी वजह से है, वट ड्यू टू डिफरेंसेज इन सोशल स्टेटस स्पेशल एबिलिटीज एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इंटेलिजेंस और अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, यानी कि बुद्धि के अलावा जो हमने विषय लिए हैं, जो सब्जेक्ट्स लिए हैं, चूंकि उनके सोशल स्टेटस में अंतर है, उनकी स्पेशल एबिलिटीज अलग हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं टेस्टिंग पे, इसलिए ये स्कोर में अंतर आ रहा है, सिर्फ बुद्धि की वजह से नहीं आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, वो इंटरेस्टेड थे किसमें, कल्चर फ्री इंटेलिजेंस टेस्ट बनाने में, उनका बहुत काम है इस पर कि हम कल्चर फ्री इंटेलिजेंस टेस्ट बना सकें बेस्ड ऑन नॉन वर्बल स्किल्स दैट वुड डिफाइन अ पर्सन्स जनरल इंटेलिजेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल स्टेटस रेस वर्बल एबिलिटी और एनवायरमेंटल एक्सपीरियंस, यानी कि ऐसा इंटेलिजेंस टेस्ट ही बनाना चाहते थे जो कल्चर से फ्री हो, जो व्यक्ति के सोशल स्टेटस पे को उससे इफेक्ट ना पड़े, रेस किस जाति को बिलोंग करता है, किस रेस को बिलोंग करता है, वर्बल एबिलिटी है नहीं है, एनवायरमेंटल एक्सपीरियंस क्या है नहीं है, तो कल्चर फ्री टेस्ट ही बनाना चाहते थे। और इस तरह से उन्होंने एक कल्चर फ्री टेस्ट बनाया भी 7 सब टेस्ट के संग, कई कल्चर फ्री टेस्ट पे उनका काम है।
तो ये रहा कैटल साहब के बारे में। तो कैटल की थ्योरी भी साइकोमेट्रिक थ्योरी की लास्ट अप्रोच की लास्ट थ्योरी है, और इन्होंने जी को ही फ्लूइड और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस में बांटा है। फ्लूइड इंटेलिजेंस में हमारी लर्निंग काम नहीं दे रही है, जबकि क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस में काम दे रही है। फ्लूइड इंटेलिजेंस ही बाद में एक्यूमुलेट होके हमारी क्या बन जा रही है, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस बन जा रही है। सॉरी तो ये इस तरह से कैटल की थ्योरी खत्म हुई। थैंक यू ऑल, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू फाउंड माय लेक्चर वर्दी टू यू, एंड जॉइन माय टेलीग्राम ग्रुप टू अटेंड डेली क्विजेस, लर्निंग मटेरियल्स, क्वेरी एंड फीडबैक। एंड यू कैन फाइंड दिस चैनल इन टेलीग्राम ग्रुप, स्कैन टू जॉइन दिस और टाइप एक्सप्लोर_एजुकेशन। ओके, सो डन फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।